हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पिज़्ज़ा कचौरी बनाने की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए अभी हम लोग इंग्रेडिएंट देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, जिसका हम डो लगा कर तैयार करेंगे। ये लिए है एक बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, कद्दूकस किया हुआ चीज़, रिफाइंड ऑयल, चिली फ्लेक्स, ऑर्गेनो और सॉल्ट। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगा कर तैयार करेंगे। तो डो लगाने के लिए यहाँ पे मैंने मैदा लिए है, इसमें सॉल्ट डाल लेते हैं। तो 1/4 स्पून मैंने इसमें सॉल्ट डाल लिया है और ये रिफाइंड ऑयल लिया है 1/4 कप, तो इसे हमने इसमें डाल लिया है। तो रिफाइंड ऑयल से हमारी जो कचौड़ी हैं वो बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार होंगी और बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगी। तो अभी इसमें रिफाइंड ऑयल सॉल्ट को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो को लगाना स्टार्ट करेंगे। डो हमें एकदम सॉफ्ट लगा कर तैयार करना है। तो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो को अच्छे से लगा लेंगे। तो इस तरीके से मसल मसल के हम डो को लगा लेते हैं। तो अभी हमारा जो डो है वो लगकर तैयार हो चुका है। अभी हम इसे ढक करके 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ढककर 10 मिनट इसे छोड़ देते हैं और जब तक कि स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में 2 स्पून लिया है रिफाइंड ऑयल। इसमें हम प्याज को डाल देंगे। प्याज को एकदम हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, बस 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लेते हैं। तो अभी हमने प्याज को 1 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पर 1 टमाटर लिया है बारीक कट किया हुआ और 1 बारीक कट हुई शिमला मिर्च। अब इसमें हम डाल देते हैं ऑरेगेनो। तो 1 चम्मच ऑरेगेनो लिया है, 1 स्पून ही हमने चिली फ्लेक्स लिए हैं। चला देते हैं और सॉल्ट डाल देंगे। तो सॉल्ट डाल देंगे हम 1/2 स्पून। डालने के बाद सभी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद बस हमें इसे 1 मिनट के लिए पकाना है। तो 1 मिनट के लिए हम इसे ढक करके हल्का सा पका लेते हैं। तो 1 मिनट हो चुका है, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो वेजिटेबल्स हैं वो हल्के फ्राई हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम कचौरी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसे ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में निकाल करके साइड में रख देंगे और ठंडा होने देंगे। तो जब तक कि हमारी स्टफिंग ठंडी होती है हम डो को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो डो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। और हमारी जो स्टफिंग है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो अभी हम इसमें डाल लेंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने जो मोज़रेला चीज़ को कद्दूकस करके रखा था वो इसमें डाल लेंगे। तो सारा चीज़ हमने इसमें डाल लिया है और इसे इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं कचौरी। तो कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें डो में से एक छोटा सा पार्ट तोड़ लेना है। तो इस तरीके से ये मैंने थोड़ा सा डो ले लिया है। इसकी बॉल बनाएंगे। इसे हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर करके इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। तो अभी ये अपने साइज से बड़ी हो चुकी है। अब हम इसमें स्टफिंग फिल कर लेते हैं। तो 1 स्पून हम इसमें फिल कर लेते हैं और फिल करने के बाद इस तरीके से सभी तरफ से इसे बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और इस तरीके से करने के बाद हमें इसे हल्के हाथ से एकदम प्रेस करना है। एकदम हल्के हाथ से प्रेस करेंगे
तो ये देखिए अभी जो हमारी कचौरी है वो एकदम परफेक्ट साइज़ में आ चुकी है। तो इसी तरीके से बाकी की और कचौड़ियों को भी हम फिल कर लेंगे और बना लेंगे। और अभी इसे फ्राई करने के लिए, डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। और रिफाइंड ऑयल अच्छा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपनी कचौड़ियों को डाल देंगे। और ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम जो है वो एकदम मीडियम से कम रखना है, वरना जो हमारी कचौरी है वो बाहर से तो अच्छे से फ्राई हो जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाती हैं। तो इन्हें लो फ्लेम पर हम इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ से भी इसे इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि एक तरफ से हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं, इनका कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो इसी तरफ से दोनों तरफ से इनका कलर एकदम हल्का ब्राउन कर लेंगे हम लोग। तो अभी हमारी जो कचौरी है वो अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी हैं, अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो अभी हमारी पिज़्ज़ा कचौरी बनकर तैयार है। तो आप लोगों ने पिज़्ज़ा खाया होगा, पिज़्ज़ा ब्रेड पिज़्ज़ा खाया होगा, लेकिन आप लोगों ने कभी भी पिज़्ज़ा कचौरी नहीं खाई होंगी। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर जरूर देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।